तो गाइस, हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा यहाँ पे वी वॉर्ड मास। ओके, चल ठीक। तो ओके, ये मुझे लगता है यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है। फर्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा सिंप्लीफिकेशन में, वो आपका टॉपिक रहेगा वी वॉर्ड मास, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का ये बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको अगर ये अच्छे से समझ आएगा तो आप बाकी चीजें बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा, इस कंसेप्ट में हमें क्या करना होता है, क्या हम गलतियां करते हैं उनको हम चेक करेंगे। तो जैसे मैं वन बाय वन आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे इनका मीनिंग क्या है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। तो वी का मतलब आप यहाँ पे, एक बात मुझे पूछनी थी सर, बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे? सर दोनों में कंफर्टेबल है, नो इश्यू। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ओके तो वी का मतलब यहाँ पे आपके पास होता है वन कलम, ठीक है। वन कलम इसका मतलब है, और आप सबने ये बचपन में जब हमने पढ़ा होगा तो इसको आपने लाइन ब्रैकेट से पढ़ा होगा, इसको हम नाम देते हैं वन कलम या यहाँ पे लाइन ब्रैकेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कोई भी फिगर दे रखी होगी उसके ऊपर एक ऐसे लाइन दे रखी होगी, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मिस्टेक होती है, कैसे इनको हमें डील करना है। सेकंड, जैसे आपके पास यहाँ पे आता है बी से, मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट, हिंदी में जिसे हम कोष्टक कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है, और ब्रैकेट भी आपके पास जनरली यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन तरह के होते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर में भी जो सबसे पहले, ठीक है, मैं एक प्रायोरिटी को लिख रहा हूँ कि जब हमें सिंप्लीकेशन में साइन देखने को मिलेंगे तो हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम प्रायोरिटी के बेसिस पे लिख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर वन कलम का आएगा, फिर उसमें ब्रैकेट का आएगा सेकेंड नंबर पे। लेकिन ब्रैकेट के भी आपके पास यहाँ पे तीन टाइप हो जाते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट है, इसको मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं, जो मैंने टू और बी नंबर दिया है, और इसको आप कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आपके पास ब्रैकेट आता है वो आपके पास लार्ज ब्रैकेट होता है। अब थर्ड नंबर पे जो प्रायोरिटी में आएगा वो आपके पास यहाँ पे ऑफ आएगा, ओ का मतलब ऑफ है यहाँ पे, और हिंदी में हम इसको का भी कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है स्पेशल मल्टीप्लाई। एक तरह से तो ये मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवीजन से पहले सॉल्व की जाती है, तो आपने ये ध्यान देना है, इसी में एग्जाम में सबसे ज्यादा मिस्टेक रहता है। स्पेशल मल्टीप्लाई सॉल्व बिफोर डिवीजन, तो आप ऐसा इसके लिए लिख सकते हैं, स्पेशल मल्टीप्लाई सॉल्व बिफोर डिवीजन, तो ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसके लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपके पास यहाँ पे आता है जैसे डी, डी का मतलब आप सबको आता होगा डिवीजन, हिंदी में हम इसको कहते हैं भाग, और सिंबल वाइज आप इसको ऐसे पहचानते हैं। पांचवें नंबर पे आपके पास आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन भी हम कहते हैं, तो शॉर्ट में हम मल्टीप्लाई बोल देते हैं इसको, और इसका सिंबल है इस तरह से। सिक्स नंबर में आपके पास आता है एडिशन, ए का मतलब है यहाँ पे एडिशन, तो मैं एडिशन ही लिख देता हूँ इसकी सर जगह पे सीधा, एडिशन आप सबको आता होगा प्लस। एंड सेवंथ नंबर पे आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सेवंथ नंबर में सब्ट्रैक्शन है, उसका मतलब माइनस। हिंदी में आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं को का मतलब कोष्टक होता है, ऑ का मतलब का होता है, और यहाँ पे डिवीजन का मतलब भाग होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब गुना होता है, और एडिशन का मतलब जमा होता है, नफी। तो इस फॉर्मूले को एक नाम हिंदी में ये भी दिया जाता है, को का भागोजक, और इंग्लिश में हम इसको नाम देते हैं वी बॉर्ड मास। तो मुझे लगता है कि आपको एक समझ आ गई होगी यहाँ पे कि हम क्या पढ़ने वाले, और ये कहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे भी हम सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन देखते हैं हम इस फॉर्मूले के बेस्ड यहाँ पे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि जब मुझे एक से ज्यादा साइन देखेंगे तो किस साइन को मुझे पहले अप्रोच करना होगा। तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा यहाँ पे वी को, फिर उसके बाद ब्रैकेट को, फिर उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो मुझे लगता है इतना बेसिक्स आपको समझ आया होगा। तो मैं अब इनके जो यहाँ पे मेन कंसेप्ट है उसके ऊपर जाना चाहता हूँ, क्या क्या गलतियाँ होती हैं, आपको किन चीजों का ध्यान देना होता है, उनकी उनके ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहाँ तक बच्चों को क्लियर है सबको? गाइस क्लियर है यहाँ तक? आप अपना माइक ऑन रख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, बस आप ये देखें कि आपकी सराउंडिंग में कोई नॉइस ना हो, बस आप इंटरेक्ट कर सर सकते हैं। एक्चुअली नॉइस आता है बहुत, बैकग्राउंड नॉइस ना, अच्छा अच्छा तो मैंने माइक इनका ऑफ रखा है, बट चैट बॉक्स इनका ऑन है, तो चैटिंग में से ही लिख रहे हैं। चैटिंग आप देख पा रहे हैं सर?
हाँ चैटिंग में देख पा रहा हूँ जी। हाँ चैटिंग में सर ये रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ओके सर, ओके जी। तो मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट इनके पॉइंट पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना होता है। तो मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कुछ बच्चों के मतलब कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं होंगे, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे, है ना। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको ये पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आपने इंटीजर के कंसेप्ट देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे आपको इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बच्चों को आता भी होगा, लेकिन मैं जीरो से चलूँ कि हो सकता है कोई एक आधा बच्चा जिसको नहीं आ रहा होगा तो हम उसको भी लेके यहाँ पे चलते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना। देखिए 10+5 जब ये नहीं लिखा होता, ये अंडरस्टूड है, ऊपर वाला प्लस क्या लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले वाला अंडरस्टूड होता है। ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। 10+5 क्या होता है? 15। अच्छा मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 10 × 5, तो 10 × 5 आपने ध्यान देना, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे प्लस में आएगा। अच्छा अगर आप डिवीजन करेंगे 10/5 तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। तो क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल जीरो से जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हर तरह के कंसेप्ट हमारे अच्छे चले और हम कोई भी एरर ना करें और कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है जब दोनों माइनस के होंगे, जैसे इस तरह से दे रखा होगा -10 और -5, तो ये ध्यान देना कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है -10 और -5। तो अब यहाँ पे जिस बच्चे को नहीं समझ आता है तो मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे माइनस का 2 लिखा और माइनस का 1 है, तो आप जब छोटी क्लास में होते तो आपको ऐसे बताया जाता है -2, ये -2 हो गए, -1 हो गया, तो टोटल ये कितने हो गए ये काउंट करना है। टोटल यहाँ पे आपके पास -3 हो गए। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। तो आप जब भी ये दोनों साइन देखेंगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये कहेंगे ये किस तरह से देखने को मिलेगा, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा 10+5। अच्छा ये किस तरह से देखने को मिलेगा, 10 × 5 इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये आपको यहाँ पे मुझे लगता है इतनी समझ तो है, 10 × 5 और 5 × 10 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे देखने को मिलेगा, 10/5 यहाँ पे 5, जिससे डिवाइड होता है वो बेस में आता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो -10 और -5 आपके पास क्या होगा, एक जैसे एग्रीगेट होगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक जैसे साइन है यहाँ आप ये, तो ये कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, -10 × -5। तो आप सबने ये बचपन में पढ़ा होगा, -(−) आपके पास पॉजिटिव हो जाता है जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं। तो ये ध्यान देना -10 × -5 ये आपके पास 50 बन जाएगा। हाँ किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आप क्लास के बाद भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो हम कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। किसी को लगता है कि नहीं सर इसमें मेरा स्पेसिफिक डाउट है तो आप क्लास के बाद मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बाकी मुझे लगा कि अगर छोटा सा डाउट है तो मैं साथ साथ भी डिस्कस करता रहूंगा आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब आप डिवाइड करते हैं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा -10/-5। दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो कई बार आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा होगा नजर आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या था, -10/-5। तो देखो माइनस से माइनस ऐसे खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे और यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जैसे आप तो अब ये है, ऐसा हो सकता था प्लस का 10 आएगा और माइनस का 5 आएगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करते हैं, जैसे मैं आपको अभी ये समझाऊं कि प्लस के 2 थे और माइनस के यहाँ पे या माइनस का 1 था, तो ये सबको आता होगा इसका आंसर 1 बनना। क्यों? क्योंकि प्लस के 2 थे और माइनस का 1 था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है, ध्यान देना है। पॉजिटिव नेगेटिव आता है आपस में कैंसिल होता है, ठीक है, और जो बड़ा होता है वो बचेगा, यही चीज आपने समझी। तो देखो 10 में से 5 माइनस की चली गई, प्लस के 5 ज्यादा थे, इसलिए प्लस का 5 है। अंडरस्टूड होता है, इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि प्लस का 5 है, जब नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, हाँ लेकिन माइनस का होगा तो उसके लिए लिखना पड़ेगा मुझे। अच्छा प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो एक प्लस होगा एक माइनस में होगा, आपका आंसर यहाँ पे माइनस में ही आएगा, 10 × -5 ये क्या बन जाएगा, -50 बन जाएगा। अगर आप डिवाइड भी करते हैं कि एक अगर आपके पास प्लस में है और दूसरा आपके पास माइनस में है, तो ये डिवाइड करने पे भी आपके पास माइनस में आएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए इन चीजों को, जैसे मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे -10+5, तो अभी माइनस का बड़ा है। अब ये क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ये जनरली इस तरह से आता है -10+5, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करने लग जाता है, उस आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर -15 बन जाता है, कुछ का 15 बनता है, तो ये गलत होगा, ये ध्यान देना है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के एंटी है,
ये कैंसिल होंगे। अगर प्लस के टू हैं और माइनस के थ्री हैं तो माइनस का वन बचेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा प्लस के टू थे, माइनस के कितने थे यहाँ पे, तीन, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसलिए माइनस का एक बचेगा। इन चीजों का आपने ध्यान देना है कि नेगेटिव पॉजिटिव जब भी प्लस माइनस में आएंगे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये आपने गलती नहीं करनी है कि आप इसको माइनस पंद्रह बनाए, कैंसिल करेंगे। बड़ा कौन है, दस बड़ा है, दस में से जब भी एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा बड़े में से छोटा घटाना है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा प्लस का है बड़ा माइनस का है, बड़े में से छोटा घटाना है, जो बड़ा था उसी का साइन आ जाएगा। तो 10 में से 5 घटाया, 5 बचा, लेकिन माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस 5। यहाँ पे 10 से 5 घटाया और 5 ही बचा क्योंकि प्लस का बड़ा था, ये ध्यान दें। हाँ, जब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, चाहे आप डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, वो माइनस में ही आएगा। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। गाइस क्लियर है यहाँ तक, आपको ये बात समझ आई? ओके, चलिए, गुड गुड, ठीक गुड, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, गुड। तो अब ये बेसिक सा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं जनरली, क्योंकि अभी मैं आपसे उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा जैसे हम ऑफलाइन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं जब भी ये चीज समझाता हूँ तो मैं बच्चों से ये पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 - 6 यहाँ पे और प्लस आपके पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 5 ले लेता हूँ। अब इस जगह पे मैं जनरली बच्चों की बात करता हूँ कि बच्चों के आंसर क्या क्या आते हैं। इस जगह पे बच्चों के आंसर आते हैं, कुछ बच्चों के आंसर -8 आते हैं, कुछ बच्चों का आंसर प्लस का 8 आता है, कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पे 2 आता है, और कुछ के अलग अलग आंसर होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये आंसर मिलेंगे। तो आप मुझे अगर जल्दी से बता पाए इसका आंसर क्या बनेगा तो मुझे पता लगेगा कि हाँ इतना आएगा। ओके, कृति ने 2 आंसर किया है, राधे श्याम ने 2 आंसर किया है, ओके ओके, ठीक, गुड गुड, ठीक, ओके ठीक है, गुड ओके। तो मुझे लगता है आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से आंसर आप सही कर रहे हैं, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसको सॉल्व करने का, जब मैं आपको वी वर्ड मास्क को हम क्लियरिटी में देखेंगे तो ये चीज समझाऊंगा कि जैसे बच्चा गलती क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है बी बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रायोरिटी पहले आ जाती है वो प्रायोरिटी एडिशन की आ जाती है, तो वो इन दो चीजों को ऐड कर देता है और इसकी जगह पे -11 लिख लेता है, जो नहीं लिखना है। ये मैंने कहा ये मिस्टेक होती है बच्चों की, आपको ऐड करना है। तो ये ध्यान देना है कि अगर -6 + 5 अगर आप इनको ऐड भी कर रहे हैं तो -6 है, माइनस के आपके पास यहाँ पे 6 है, प्लस के आपके पास 5 है, एक दूसरे के एंटी हैं, ये टोटली खत्म हो जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व भी कर रहे हैं 3 - 1 आएगा और इसका आंसर 2 आएगा। अब प्लस माइनस में जब आप बी बॉर्ड मास भी ये पढ़ रहे हैं ना, इसको छठा नंबर दिया सातवां, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको सातवां नंबर दे दें और इसको छठा दे दें, मल्टीप्लाई से नीचे आप किसी भी ऑर्डर में इनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा ये कर रहा है कि उसको लगा कि भाई मुझे ये चीज पहले सॉल्व करनी है, उसने पहले ये सॉल्व कर लिया 3 - 6, तो माइनस का ज्यादा था, माइनस के 3 बच के आपके पास यहाँ पे प्लस का 5 था, प्लस के ज्यादा हो गए, कितने ज्यादा हैं, तो देखिए अभी भी प्लस 2 आया। अब किसी बच्चे को लगा कि नहीं मुझे तो प्लस इनकी टीम बनानी है प्लस प्लस की, तो उसने 3 + 5 को पहले कर लिया और -6 कर लिया, तो ये आंसर उसका 2 बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चल रहा हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी ये बोल दूं 2/3 है और मैं आपको अभी ये बोल दूं कि 4/8 है, या 4/15 लिख लूं, ऐसे कुछ लिख लूं, और माइनस यहाँ पे 5/, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ले लेता हूँ 10। अब इनमें बच्चों को बोला जाता है कि मैं जहां जहां पे गलती होती है मैं पहले उन पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम बी बॉर्ड मास की क्लैरिटी और अच्छे तरह से समझेंगे उसको। तो अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अभी हम बिल्कुल 0 पे हैं और इन चीजों को क्लियर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ नई चीजें भी सीख रहे हैं, तो इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस 2 को इसके साथ जोड़ दें, 6 - 5 घटा दें और 1 लिख दें कुछ यहाँ पे, और नीचे भी जोड़ दें 15 - 3 = 18 और 10, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ये आंसर, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा।
क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, एक्चुअली आपके पास फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे, फ्रैक्शंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो जब भिन्न को जोड़ा जाता है उनका सबका डिनोमिनेटर सेम किया जाता है, डिनोमिनेटर सेम होगा तभी भिन्न जोड़ी जा सकती है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, इन सबका एलसीएम लिया जाए। तो देखो आप जैसे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 3, 15, यहाँ पे 10 का एलसीएम लिया आपने, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि 2 से कर लेते हैं, छोटे नंबर से प्राइम नंबर से आपने स्टार्ट किया 3, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5। अब आप 3 से कर लीजिए यहाँ पे, बाकी जिसको टेबल आते हैं वो तो बहुत अच्छे से कर सकता है, यहाँ किसके मल्टीपल में आ रहे हैं यहाँ पे ये, है ना। तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 एलसीएम बना 30। तो अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे, एलसीएम 30 बना। तो एक्चुअल में इनको सॉल्व करने का कंसेप्ट होता है कि मैंने कहा इनका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो सेम बनाने के लिए एक्चुअल में मुझे इन सबको 30 बनाना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से गुना करनी पड़ेगी और इधर भी 10 से। ये आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है, तो मैं आपके साथ ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट और अच्छा होगा। यहाँ पे 30 बनाने के लिए 2 से गुना और इधर भी 2 से, इधर 30 बनाने के लिए 3 से गुना करनी पड़ेगी और इधर 3 से। मुझे लगता है बात आपको समझ आ गई होगी। जब इनका सबका नीचे यहाँ पे 30 बन जाता है तो फिर इनको डायरेक्टली लिखा जाता है। एक्चुअल में ये क्या बना, अगर मैं और डिटेल में कहूँ, ये आपके पास 20/30 बना, ये कितना बना आपके पास, ये 8/30 बना, और ये आपके पास कितना बना, 15/30 बना। तो अब इनका बेस सेम है, अब इनको जोड़ा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इनको जोड़ा घटाया जो भी किया जा सकता है डायरेक्टली किया जा सकता है, क्योंकि बेस सेम है। ये 20 आ गया, ये प्लस 8 आ गया, 28 हो गया, और 15 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13/30। अब ये है एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है छोटी क्लास में। जैसे जैसे हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमें पता है एलसीएम लेने का मतलब है कि हम इन सबका डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। तो हमें क्या सिखाया जाता है, जब आप यहाँ पे इनको डिटेल में समझेंगे, आपको क्या चीज सिखाई जाती है, आपको बोला जाता है ऐसे कि भाई देखिए आपके पास ये 2/3 है और ये आपके पास 4/15 दे रखा है और ये 5/10 है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना आया 30। हम इस एलसीएम को बारी बारी इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जैसे 30 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 10। तो इस 10 की मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से, उसी के अंश से होगी, 2 × क्या किया जाएगा 10। अब यहाँ पे अगली बारी क्या किया जाएगा, उसी एलसीएम को अगले डिनोमिनेटर से, अगले हर से डिवाइड किया जाएगा, 30/15 या आपके पास 2 आया, और उस 2 की मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से होगी, 2 × 4 होगा। और अगली बारी में क्या किया जाएगा, जो लास्ट वाला है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा, तो 3 आएगा और उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 × 5। तो ये हमें बताया जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये होता है एक्चुअल में, तो उन सबका यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाया होता है। तो एलसीएम करने से उन सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, सिर्फ हम क्या चेक करते हैं कि ऊपर वाले को किस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नीचे वाले तो ये सेम बनाए जाते हैं इस मेथड से। तो 2 10 चाहिए देखो 20, ये इस तरह से 2 4 8 जो हमने लिखा था, और ये 3 5 15 था। तो ये मुझे लगता है मैंने आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट बताया कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, वो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की। गाइस क्लियर है इतना आपको, बताइए मुझे इतना समझ आ रहा है आपको? ओके चलिए गुड गुड, ओके गुड, ठीक है गाइस गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और आप पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है प्लस माइनस वाला आपको ये लॉजिक क्लियर होगा, मैं धीरे धीरे आपके कंसेप्ट चेक कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा ना छूटे, सब आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं जो जो मैंने बच्चों बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो क्या गलतियाँ करते हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। हाँ, आपको लगता है कि मेरा ये पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप वो एक्स्ट्रा टाइम में भी पूछ सकते हैं। अब मैं कुछ और पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को देखते हैं 2+5 है, और मान लीजिए मैं थोड़ा इजी करता हूँ इसको कि आप और अच्छे से इसको समझें। मैं इसको ये लिखता हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पे 10 और मैंने इसको 25 लिखा, और मान लीजिए इधर मैंने 30 लिख या हाँ 30 लिख लिया। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे 5 है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इस 5 से ना यहाँ पे इसको कट करने लग जाएंगे, 2 बस ये उन्होंने कट कर लिया, अब इसका आंसर 225, 227 और 30, 57 लिखने लगते हैं। ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है। हाँ, ये कट तब होता है जब आपके पास ये इस तरह से होता है 10 into
25 into 30, तब बिल्कुल आप ये ऐसा करते कि कैंसिल करते 2, 25 2s आपका 50 बनता है, और 50 into 30 आप यहाँ पे इसको 1500, तो कट हम तब कर सकते हैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन दे रखा होगा, तब आपके पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं किसी भी वैल्यू को। जैसे मैंने लिखा 3/4, 5/8 यहाँ पे, और मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए 12/6, तो कहीं पे भी मैं इससे इसको खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे 3 बन जाए 3, यहाँ पे 3 2 जा 6, ये 4 से कैंसिल किया, 4 3 जा 12। तो जब हम कैंसिल करते हैं ना मल्टीप्लाई और डिवीजन है, तब हम किसी भी न्यूमरेटर से, मतलब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से बाकी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन है। इस तरह का नहीं होगा। इस तरह का मतलब क्या कि अगर आपको सॉल्व करना है तो पूरे का एग्रीगेट करना पड़ेगा। 10 + 25 + 30 / 5, पूरे का एग्रीगेट कीजिए। जैसे ये 35 बन गया, 10 + 25 = 35, और 30 कितना बना, 65 / 5, ये आपके पास 13। ये इसका सही तरीका है सॉल्व करने। हाँ, अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो सबको डिवाइड होगा, ये मतलब है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि देखिए नीचे अगर 5 है तो इसका मतलब ये इन सबका डिनोमिनेटर 5 था, तभी इनके बदले में एक बार यहाँ पे लिखा गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और जो साइन होगा बीच में प्लस है तो प्लस आ सकता है, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, ये आप कैंसिल करेंगे, 2 + 5 = 7 + 6, ये 13। तो मुझे लगता है जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब हम अपना मेनली वी बॉन्ड मास के ऊपर अब चलेंगे, जहां पे जो जो गलतियां होंगी आपने ध्यान रखना है। गाइस क्लियर है इतना? ओके, चलिए गुड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो अब हम मेनली वी बॉन्ड मास के ऊपर चलते हैं, जो हमने हमारा मेन कंसेप्ट है। तो ये तो हमने अपनी अभी फाउंडेशन रखी इसकी कंसेप्ट की, कि आप सारे अच्छे से समझे यहाँ पे। और आपको अगर अपना मैथ अच्छा करना है तो मैं यही कहूँगा, आप अपना सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छा करें पहले। आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड स्क्वेयर क्यूब, एटलीस्ट स्क्वेयर आप 30 तक अच्छे से याद करें, क्यूब आप 15-20 तक के बीच में याद करें, है ना। धीरे धीरे अपने लिए टारगेट आपने डिसाइड करें। तो अब हम चलते हैं वी बॉन्ड मास के ऊपर, हम बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम 1 by 1 देते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हम मिस्टेक कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक। तो अभी मान लीजिए मैं बहुत इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, कि मैंने ये लिखा अभी 4 division 2 + 2, और इसका आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है आपको ये आता भी होगा और बहुत इजी सी बात है, आप इसको मेंटली भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या तरीका है यहाँ पे सॉल्व करने का? तो मैं बच्चों को जब ये समझाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे ये ऑपरेशंस हैं, एक तरह से ये ऑपरेशन है यहाँ पे बीच में, ये आपके पास डिवीजन, ये प्लस। तो पहले किसकी टर्न आएगी? पहले देखते हैं हम ऑर्डर में कि भी डिवीजन आता है और एडिशन बाद में आता है, तो रैंकिंग वाइज तो ये पहले सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं? इसको 4 division 2 लिखा जा सकता है और ये प्लस 2 होगा। देखो, सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, एक नंबर आना चाहिए या इसकी जगह पे फ्रैक्शन। जब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके बोल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कीजिए ना, तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे ना, लास्ट में आपके पास एक नंबर आएगा या तो एक फ्रैक्शन आएगी। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि आपके पास एक वैल्यू आनी चाहिए या उसकी जगह पे एक फ्रैक्शन आनी चाहिए, तभी आप अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला यहाँ पे 4 / 2, कितना मिल गया, 2। अब मैं अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ता हूँ, 2 + 2, इसका आंसर आपके पास आ गया 4। हाँ, इसको और लिखने का क्या तरीका होता है कि डिवीजन के बाद वाली जो टर्म होती है उसके डिवीजन को रिप्लेस किया जाता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद वाली जो टर्म है उसका रिवर्स किया जाता है। किसी के बेस में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 2 का रिवर्स 1/2 होता है। और इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जाता है, ये 2 + 2, और आपके पास यहाँ पे आंसर 4। ऐसा करने की क्या जरूरत है? ऐसा करने की जरूरत इसलिए होती है कि कई बार आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है, डिवीजन से पहले भी फ्रैक्शन होगी और बाद में भी फ्रैक्शन होगी, कुछ इस तरह के नंबर आपके पास हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनको सॉल्व करने के लिए, फिर मैं डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर पा सकता यहाँ पे, तो इजिली सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि भी इसको रिवर्स कर दो यहाँ पे, लेकिन डिवीजन की जगह पर फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हमें कैंसिल करने में ईजी रहता है, ये कैंसिल किया तो इसका आंसर इजी हम 3/2 यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बच्चा इस तरह से भी जाता है तो अच्छी बात है, आपको लग रहा है इजी नंबर है,
तो आप डायरेक्टली इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर था। अभी आपने देखा कि जैसे आपका इस सीक्वेंस का जो आंसर बना ना, इस सीक्वेंस का आंसर हमने देखा 2+2 यहाँ पे 4 बन गया, ठीक है। अभी मैं आपके सामने जैसे वी वर्ड मास की बात करता हूँ कि अभी ये आपके पास यहाँ पे साइन दिया है, यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ, ये है आपके पास यहाँ पे वन कलम जिसको हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं, इस तरह का आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसको सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं पहचानने पे जाऊं यहाँ पे प्रायोरिटी की बात करूं, तो मुझे प्रायोरिटी की समझ है कि ये चौथे नंबर का है, ये प्लस तो छठे नंबर का है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर का है, ये आपके पास फर्स्ट नंबर है यहाँ पे, तो किसको पहले सॉल्व करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहले सॉल्व करना है आपको यहाँ पे इस लाइन ब्रैकेट को। तो लाइन ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए क्या होता है, तो लाइन ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। लाइन ब्रैकेट बोलता है कि मेरे अंडर जो भी ऑपरेशन आ रहे हैं, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे लाइन ब्रैकेट के अंडर होंगे, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे एक ही साइन, अगर इसके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशन होते तो तब फिर से आपका रूल उनको सॉल्व करने के लिए बी बॉड मास का ही लग जाता। तो अभी मुझे किसको सॉल्व करना है, लाइन ब्रैकेट के नीचे जो वैल्यू, क्या वैल्यू दे रखी है, 2+2। तो 2+2 को सॉल्व करने पे क्या मिलता है, 4। जैसे ही आप 4 लिखेंगे आपका बार यहाँ से हट जाएगा। तो आपने क्योंकि सॉल्व कर लिया, उसके नीचे 4 आ रहा है, 4 division 4। तो इस तरह से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपका आंसर अभी 1 बना, जो हमने इससे पहले सॉल्व किया वहां पे 4 बना। तो सिंप्लीफिकेशन में यही समझाया जाता है कि आपको प्रायोरिटी की समझ है, आप उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस को पहले करना चाहिए। कि आपको अगर एक नॉर्मल लाइफ में भी लॉजिक दिया जाए, नॉर्मल लाइफ में भी आपको एक सीक्वेंस दिया जाए कि अच्छा पहले आपको यहाँ पे CM को सैल्यूट करना है, उसके बाद आपको DC को सैल्यूट करना है, उसके बाद आपको DSP को करना है, उसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर को, पुलिस को, या जो भी यहाँ पे PN है। ऐसा नहीं कि आपको एक सीक्वेंस की समझ नहीं, आप पहले PN को करने हैं, फिर उसके बाद मतलब SI को कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे। तो एक प्रायोरिटी की, किसकी प्रॉब्लम ज्यादा आपको यहाँ पे लगती है इंपॉर्टेंट, वो पहले सॉल्व करनी, यही आपको प्रायोरिटी यहाँ पे सिखाती है। अब मैंने जैसे एक बात की थी यहाँ पे, ठीक है, तो एक बात मैं जैसे यहाँ पे कर रहा था कि जैसे आपके पास ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसे हमने बात की ये 2+2 है और इधर ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो अभी बार ब्रैकेट तो लगा है लेकिन इसके नीचे अभी वैल्यूज मेरे पास ज्यादा आ गई। यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आ गई, अगर मैं साइन बाज देखूं तो ये फोर्थ नंबर का है। अगर आप बी वर्ड मास में देखें ना, तो आपको ये चीजों की क्लियरिटी है कि अच्छा ये ऑपरेशन कौन से नंबर पे आता है, हमें पता है यहाँ पे ये चौथे नंबर पे आता है, इस तरह से हमने पढ़ा। तो इसके अंडर देखते हैं, ये पहले नंबर का है, ये पहले नंबर है, ये सॉल्व करना है, लेकिन इसमें भी रैंकिंग चलेगी। अच्छा ये लास्ट में होगा, यहाँ पे छठे नंबर का है और ये आपके पास पांचवें। तो देखो जो इसके अंडर आ गया वो तो बाकी सबसे पहले सॉल्व होगा, है ना, लेकिन उसमें भी मुझे एक रैंकिंग को फॉलो करना पड़ेगा। फिर डिवीजन तो अभी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि पहले के नीचे जो आ गया वही पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 division, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी को देखा कि मल्टीप्लाई पहले होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, मैं 1 by 1 आपको समझाता हूँ ताकि लॉजिक क्लियर हो। इसको आपने पहले सॉल्व किया, 2 2 4 हो गया मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा अभी भी नहीं सॉल्व हुआ तो बार नहीं हटा, 2+4 क्या होता है, 6। जैसे आपने 6 लिखा बार अपने आप हट जाएगा और इसका मतलब है 4/6। और आपको पता है यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से कैंसिल करेंगे 2/3, और आपने अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से पढ़ी है 0.66 इसका आंसर बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आई होगी। एक और जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए अभी मैंने ये लिखा होता 4 division 2 - 4, तो ये ध्यान देना है। अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो सिर्फ ये बोलता है कि भाई जो मेरे अंडर आ गया उसको आप सबसे पहले सॉल्व कर दीजिए। तो ये चौथे नंबर की प्रायोरिटी है आपके पास और ये फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी, और उसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे सातवें नंबर का सीक्वेंस। तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सातवें नंबर का है, तीसरे नंबर का है, इससे तो पहले ही सॉल्व किया जाएगा क्योंकि पहले के नीचे आ रहा है। ये यहाँ पे आपके पास लाइन ब्रैकेट के नीचे जो आ गया उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर बनी, ठीक है। तो जैसे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि एम्बुलेंस है या किसी मिनिस्ट्री की गाड़ी है, तो उसकी गाड़ी के ऊपर यहाँ पे लाल बत्ती लगी होगी, तो चाहे वो कितनी भी पीछे होगी ट्रैफिक में, उसको सबसे पहले आगे पास किया जाएगा। सेम यही पे यहाँ पे भी रूल है कि इसके नीचे चाहे वो छोटा छोटी रैंकिंग का भी होगा, वो बाकियों से पहले सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, 4 division यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया 2 - 4, तो ये लाइन ब्रैकेट तो ये बोलता है कि भाई मेरे नीचे जो आ रहा है उसको सॉल्व करके लिख लो।
टू माइनस फोर क्या होता है माइनस टू। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, साइन होता है मॉडुलस उससे मिसरीड करते हैं। मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना, क्योंकि वो बताता है कि एक्चुअल में चीज है कितनी, मैग्नीट्यूड वाइज कितनी है यहाँ पे। अगर ये मॉडुलस होगा तो ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्चुअल में वो दो चीजें हैं यहाँ पे, टू है उसकी वैल्यू, लेकिन ये कोई मॉडुलस तो नहीं है। ये तो बोल रहा है भाई मेरे नीचे जो है आप उसको पहले लिखो उसको सॉल्व करो, बस ये इतना बोलता है। ये नहीं बोलता कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, मॉडुलस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो फोर डिवीजन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू, दो साइन इकट्ठे नहीं लिखे जाते इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा एक प्लस माइनस में होता है, तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा। अभी इसका आंसर सही आपके पास बनेगा माइनस टू। तो गाइस क्लियर है आपको, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ ये वन कलम का। ओके ओके, चलिए गुड गुड गाइस, ठीक है। अगर आपको लगी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताएं, ठीक है। और मैं पढ़ाती बात ज्यादातर चैट नहीं देख पाऊंगा, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तभी मैं आपकी चैट पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम आपके लिए फिर कम ही बचेगा, ठीक है, और हमें पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे ये सारा कंसेप्ट करने के बाद, कि हम कुछ क्वेश्चन भी करें आपको लगे कि भी हाँ हमने कुछ सीखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जो जो मुझे लगता है मेन गलती है। तो पहला पॉइंट हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं आपका सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट है ना यहाँ पे, तो इनको हम समझना है और दोनों के लिए एक जैसा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जनरली यहाँ पे जब क्लास में ये बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि आप बताइए बच्चों की इसका आंसर क्या होगा, फोर डिविजन फोर ब्रैकेट फाइव, ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। और मैं जब ऑफ की बात भी करता हूँ तो मैं इसी से यहाँ पे रिलेट कर देता हूँ, ठीक है, फोर डिविजन फोर ऑफ फाइव। तो आप मुझे बताइए आपका क्या आंसर है इन दोनों के रेफरेंस में, आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट और सेकंड के रेफरेंस में, आपको लगता है इजी सा है तो आप मुझे बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर इनका आंसर। ओके कीर्ति आपने फाइव आंसर किया है, ओके फाइव, ओके राधे श्याम फाइव, कीर्ति सिंह फाइव, ओके ओके, बाकी बच्चे जीरो, ओके आदिल जीरो कह रहे हैं आप, हमीत आनंद फाइव, प्रीति आप फाइव कह रहे हैं, ओके ओके बाकी बच्चे, चलिए ठीक है। तो अब मुझे पता लग गया कि उतना भी ज्यादा आपको नहीं आता है, आपको भी थोड़ा बहुत और सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो फाइव आपका राइट आंसर नहीं है, यहीं पे मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा बच्चे इसी पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, फोर नहीं बनेगा आदर्श, देखिए ओके फोर बाई ट्वेंटी, ओके फोर बाई ट्वेंटी आपके पास मोहम्मद कह रहे हैं, ओके मोहम्मद सैफ अली खान, ओके आप सही कर रहे हैं, ओके आराध्या सिंह आप भी अभी सही कर रहे हैं वन बाय फाइव, चलिए ठीक है। तो अब आप चेक करें कि आप अपने आप से ही कहें कि हाँ हम सही कर रहे थे, हम सही सोच रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सर आपका स्क्रीन हट गया शायद। हाँ ये मैं देख रहा था सर यहाँ पे, अब ये होस्ट की परमिशन पूछ रहे हैं। करे करे सर, मैंने आपको होस्ट में। ओके सर, आगे सर आगे। जी जी सर ठीक, ओके सर थैंक यू सर। ओके चलिए गाइस, तो आपने ये समझना है कि इसमें गड़बड़ क्या होती है ये समझना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फाइव कर रहे थे और लास्ट में कुछ बच्चों के वन बाई फाइव भी आ रहे थे, अच्छी बात है ना। तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप इस प्रायोरिटी को समझिए ना, प्रायोरिटी को समझिए, ये आपके पास फोर्थ नंबर का सिक्वेंस है और ब्रैकेट चाहे कोई सा भी हो ना, ब्रैकेट हमने तीन तरह के पढ़े हैं, आपका स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है, हमने देखा ना। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये आपके पास सेकंड नंबर का, और कोई और ब्रैकेट भी दे रखा होता वो भी सेकंड में आ, हाँ दो से ज्यादा ब्रैकेट दे रखे हैं अलग तरह के, फिर हम कहेंगे सेकंड ए है सेकंड बी है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि आपको ये समझना है पहले किसको सॉल्व करना है, चौथे नंबर का तो बाद में नंबर आएगा, पांचवें यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था जब भी हम सॉल्व करते हैं आप लास्ट में आंसर निकालते हैं,
सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपके पास या तो नंबर में आंसर आ जाए या फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। तो इस वैल्यू को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसकी जगह पे, अब जब भी ऐसे ब्रैकेट लगा होता है कोई सा भी साइन नहीं होता, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू बनती, इसको सॉल्व करने के बाद एक सिंगल वैल्यू बनती, वो बनती आपके पास 20 यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा कि देखिए हर एक ऑपरेशन के बाद, मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास या तो एक सिंगल वैल्यू आएगी या तो एक सिंगल फ्रैक्शन आएगा, और जब लास्ट में हम कंप्लीट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तब भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू या एक सिंगल फ्रैक्शन बचती है। वो हर जगह पे, वो छोटे छोटे पार्ट में भी वही होगा, और जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तब भी यही होगा। तो मुझे लगता है ये हमने पहले सॉल्व कर लिया। 4/20 का मतलब आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से, तो इसका सही आंसर 1/5, या आप इसका सही आंसर 0.2 भी बोल सकते हैं। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, मल्टीप्लाई होता तो इसको पांचवें नंबर पे देता ना ये, फिर इसको दूसरे पे देने का क्या मतलब हो गया। आप कह रहे हैं दूसरे वाला भी वही है जो पांचवें वाला है, तो कुछ इनके बीच में फर्क है जो आपको समझना जरूरी है कि भाई किसको पहले सॉल्व करना है, यही ये समझा रहा है। तो फिर वो मिस्टेक क्या कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, इसी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है और 5 आंसर बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। और इसमें भी सेम आपका आंसर 1/5 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्थ नंबर का ही रहा डिवीजन, और ऑफ देखिए ये तीसरे नंबर की प्रायोरिटी है जो स्टिल अभी डिवीजन से पहले सॉल्व होगी। और ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, और मैंने जब आपको समझाया था मैंने कहा था स्पेशल मल्टीप्लाई सॉल्व बिफोर डिवीजन, एक ऐसी गुना जो डिवीजन से पहले सॉल्व की जाती है। तो डिवीजन तो रख लिया हमने साइड में अभी, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 4/5 ये भी 20 बना, तो इसका आंसर भी 4/20 1/5 ये 0.2 बना। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी ये बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो कंसेप्ट क्या है ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ओके एक मिनट, ओके ठीक है, ओके। तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे अब कई बार आपको ना कैलकुलेशन कैसे आ जाएगी, जैसे मैं अभी आपको ये दे दूँ ना 1728 दे दूँ, और डिवीजन यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दे दूँ 144 और यहाँ पे ब्रैकेट 30, है ना, इस तरह की मैं आपको सिंप्लीफिकेशन दे दूँ। तो अब बच्चों ये आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1728 को मुझे डिवाइड करना है जो 144 × 13 होता है। मान लीजिए आपको टेबल आते भी हैं, जैसे 13 × 4 = 52 होता है, 5 कैरी होता है, और 13 × 14 आपके पास 182 होता है, और 5 जब आप करेंगे 1872, एक्चुअल में ये बनेगा 1872, और आप इसको क्या लिखेंगे 1728 और फिर 1872, और फिर आप इसको कैंसिल करेंगे, फिर वही 12 का टेबल पड़ेगा, और उस तरह से यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो अभी इस तरह से अगर कोई कैंडिडेट जाएगा उसके लिए लेंथी बन जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें, तो मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ कि जरूरी नहीं हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, छोटी वैल्यू थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया था, यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू है तब क्या करना है, तब आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको लगता है कंसेप्ट दोनों जगह पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कर लिया छोटी वैल्यू थी, कि आप इसकी जगह पे मल्टीप्लाई रख सकते हैं। लेकिन हमने कहा था मल्टीप्लाई से गलती भी होती है, गलती कैसा करता है बच्चा कि वो मल्टीप्लाई तो रख देता है इसकी जगह पे, लेकिन नीचे 4 ले जाता है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 था, और इस 5 को ऊपर ही रखता है, और उसका आंसर 5 आता है और गलत होता है। तो हम कैसे बच सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी रखें और गलती करने से बचे, तो आपको पता है कि भी एक्चुअल में हमें इनका प्रोडक्ट लिखना था, लेकिन मैं प्रोडक्ट ही कर रहा हूँ और इनको यहाँ पे एक दूसरे से अलग नहीं करूंगा, मैं इनको अब एक सिंगल यूनिट मान के चलूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इनका प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने इनकी जगह पे 4 × 5 रख लिया। अब इसको एक यूनिट मान रहा हूँ, तो इससे पहले
एक ही साइन है, एक ही साइन है, तो उसके बाद वाला जो यूनिट है, डिवीजन के बाद वाला जो यूनिट है वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाएगा तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर सही भी आ जाएगा 1/5। तो इस जगह पे भी आप इस तरह से ना जाके क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, आप अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई ये एक यूनिट है पूरा, इसको मुझे गुना नहीं करना क्योंकि मुझे पता है कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपने क्यूब स्क्वायर थोड़े बहुत पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब 1728 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1728 है और इसका यहाँ पे डिवीजन का रिवर्स हो जाएगा, दोनों एक ही यूनिट है, 144 इंटू आपके पास 13। तो आपको पता है यहाँ पे कि 12 के स्क्वायर से 12, यहाँ पे क्या है 12 इंटू 12 है ऊपर, यहाँ पे क्या है 12 इंटू 12 और आगे 13 है, तो हमने कहा ऊपर से नीचे वाले कैंसिल होते हैं, दो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका सही आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन में 12/13। हमने कोई लंबी यहाँ से भी आप कैंसिल करें सेम यही मिलेगा आपको लास्ट में, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा कि पहले हम मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिल करें, तो उस जगह पे हम ये शॉर्टकट को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। गाइस क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बताइए मुझे सेकेंड और थर्ड पॉइंट में ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आप बताइए मुझे कि हाँ हाँ आपको क्लियर हो चुका है ये। चलिए गुड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, गुड, ओके ओके गुड, ठीक। तो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसके बाद आपको प्रायोरिटी का बिल्कुल ध्यान वाइज यहाँ पे सीक्वेंस वाइज यहाँ पे चलना है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें और आपके साथ डिस्कस करूंगा बी वार्ड मास की, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंटों में कहीं गड़बड़ होती है। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की इस पॉइंट में है, इस पॉइंट पे, और सबसे ज्यादा इन दो पॉइंटों में है ना, और इनमें भी कब, इनमें भी तब जब फ्रैक्शन वाली आती है तब बहुत ज्यादा गड़बड़ होने लग जाती है। जैसे मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा 1/5 डिवीजन 1/5 ऑफ 1/5 इस तरह का दे देगा, है ना, तो इसमें बच्चा क्या कर देता है, इसमें फिर बच्चा वही गलती की 1/5 ऐसे आंसर करने लग जाता है 1/5, फिर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है आपको, ये समझना है कि भाई मुझे यहाँ पे ये चौथे नंबर का है और ये तीसरे नंबर का, इसी को सॉल्व करना है। 1/5 ऑफ 1/5 का मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक सिंगल यूनिट बनेगा, वो सिंगल यूनिट क्या बनेगा, वो ध्यान देना है 1/25। तो क्या आंसर बनेगा, अभी मैंने आपको समझाया, मल्टीप्लाई आएगा, टर्म्स रिवर्स हो जाएंगी, तो आपका जो आंसर बनेगा 5/1 बनेगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे। यहाँ पे गलतियां होती हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके बाद तो आपको रैंकिंग की समझ है, तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये आपके पास सातवें नंबर पे होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि ऑफ में मिस्टेक होती, इसके बाद आप इसी प्रायोरिटी में चलेंगे। तो मैंने कहा था आपको कि पांचवें तक एक्चुअल में आपको प्रायोरिटी का ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल्कुल इसी सिक्वेंस में चलेगी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी को भी पहले सॉल्व कर लो। -7 + 6 + 2 लिख लूं, तो मेरा मन कर रहा है 6 + 2 मैं 8 कर लूं, फिर 7 घटा लूं 1 बनेगा, नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं -7 + 6 को पहले सॉल्व कर लूं, तो -7 + 6 आपका क्या होता है, -1 होता है, फिर आप +2 कीजिए, -1 + 2 फिर से 1 बन गया, जैसे मर्जी आपका मन करे। आपका मन करा नहीं मुझे तो ये करना है 2 - 7 + 6 करना है, तो 2 में से 7 गए तो -5 आएगा, फिर +6 किया तो फिर आपके पास 1 आएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी को पहले कर दो, बुक में छठा एडिशन को बोला जाता है, सातवां इसको, लेकिन हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मन आता है आप वैसे सॉल्व कीजिए। अब इनमें कुछ और पॉइंट जो आपको लास्ट में और देखने हैं, यहाँ पे और पॉइंट है आपका जब यहाँ पे सेम प्रायोरिटी का सिक्वेंस आता है। अच्छा सेम प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसे साइन, सेम प्रायोरिटी का सिक्वेंस। अच्छा ये बोल रहा हूँ मैं 2 + 3 + 4, देखो सब प्लस प्लस है, तो ये तो हमने पढ़ा कि भी जैसे मैं ये कह रहा हूँ -2 - 3 - 4, तो ये हमें पता है 2, 3, 5, 4, 9 ये भी 9 बनेगा लेकिन माइनस का, लेकिन ये तो सेम प्रायोरिटी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे कीजिए, किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे आंसर तो वही आएगा। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मुझे तो ऐसा करना चाहिए था, 3 पहले यहाँ पे, 4 पहले लाना चाहिए था, 3 फिर 2, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका आंसर वही बनेगा -3 - 4 - 2, कैसे मर्जी लिखिए। तो ये मतलब होता है सेम प्रायोरिटी का, भी एक जैसे सीक्वेंस के आते हैं तो कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इनका तो प्लस माइनस का तो हमने ये देख लिया कि डिफरेंट सीक्वेंस के हैं दोनों, ये दोनों आ जाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2, 5 आपका 7 - 3 - 4 होगा,
आपका मन करता है ऐसे लिखना, यही हमने अभी बात की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस एक प्लस पांच आपका आंसर ही आएगा। तो अभी तो हम सेम प्रायोरिटी की बात करें, तो सेम प्रायोरिटी में और कहां नहीं फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई में, टू थ्री जा देखो सब मल्टीप्लाई के, ये सेम प्रायोरिटी है। अब मेरा मन करता है मैं ऐसे लिख लूं इसको, कोई फर्क पड़ा नहीं, आंसर तो आपका स्टिल अभी भी कितना है 24। तो सेम प्रायोरिटी में कहां नहीं फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई तक फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के तीन पे फर्क नहीं पड़ता है आपका, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लाई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी किसी भी वैल्यू को आप इंटरचेंज कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं अगर यहीं तक कह रहा हूं तो इससे ऊपर जरूर फर्क पड़ता होगा, ये आपने ध्यान देना है। फर्क कहाँ पे पड़ता है, वी वार्ड मास में हम बात कर रहे हैं सेम प्रायोरिटी की, तो यहां तक तो आपका फर्क पड़ेगा, इससे नीचे सेम प्रायोरिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा कैसे पड़ता है ये समझिए, जैसे मैं डिवीजन की बात करता हूँ, अभी मैंने एक सिक्वेंस लिखा ये, अब इसमें जैसे मल्टीप्लाई की तरह नहीं कर सकते, हो सकता है किसी बच्चे को ये अच्छा लगे कि यार मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जो डिवाइड करके आएगा उनको आंसर कर लूंगा, ये 10 आ गया, उसने ये कहा भी मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 आएगा, उसका आंसर बन गया 5 जी, अच्छा ठीक है। किसी बच्चे को लगा कि नहीं यार ये 10-10 मेरे को अच्छे लग रहे हैं देखने में, मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ बीच में कि एक बन जाएगा, फिर उसने 100 को 1 से डिवाइड कर बोला भी ये तो 100 ही रह गया, और 100 को 5 से डिवाइड किया, ऐसे तो उसका आंसर 20 हो गया, सबके आंसर अलग अलग आने लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये कोई भी यहाँ पे आपका सेम प्रायोरिटी के हैं, सब डिवीजन के हैं, लेकिन इसमें आपका आंसर एक जैसा नहीं आता है। तो इससे ऊपर जहां पे आपका ये, मैंने कहा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सेम प्रायोरिटी के जो होते हैं उनमें फर्क पड़ता है। तो इनको सॉल्व करने का सिक्वेंस क्या रहता है, जो पहले आपके पास 4 है इनको अगर सेम प्रायोरिटी से आता है, इनका सिक्वेंस बनता है सॉल्व करने का लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं चीजों को हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, तो इनको सॉल्व करने का सीक्वेंस भी क्या बनेगा, लेफ्ट टू राइट। जैसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका मतलब एक्चुअल में ये था कि आपको बोला गया 100 चीजों को 10 लोगों में बांटो, तो आपने कहा अभी 10 चीज बची, फिर उन 10 चीजों जो एक पर्सन के पास 10 आई उसको भी 10 हिस्सों में बांटा, 10 को फिर 10 हिस्सों में बांटा तो आपके पास 1 आए, फिर जो 1 आई उसको भी आपने यहाँ पे 5 हिस्सों में बांटा, तो 1 आया उसको भी आपने 5 हिस्सों में बांटा, इसका आंसर है 1/5। तो ऐसे 1/1 करना तो लेंथ ही बन जाता है। तो इसको सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट करते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डिवीजन को रिप्लेस किया जाता है मल्टीप्लाई से और उसके बाद की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 1/10 लिखूंगा, डिवीजन के बाद फिर ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, डिवीजन के बाद वाला ये फिर चेंज हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से हमें एग्जाम में फास्टली इसको करना है, तो ये आपका सही आंसर होगा। गाइस क्लियर हुआ आपको ये? हाँ जी क्लियर है। ओके चलिए गुड, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करूँ। तो अगर आपकी कोई और क्लास नहीं है तो मैं 10-15 मिनट आपके साथ क्लास में जुड़ा रहना चाहूंगा, और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो ये तो सर ही बता पाएंगे अभी। नो सर, क्लास मतलब नहीं है, बाकी बच्चे बता सकते हैं। हाँ बच्चे बता सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँ। तो हाँ सर, ये बच्चे यस बोल रहे हैं, यस सर वी विल डू। हाँ तो क्वेश्चन कर लेंगे, तभी इनको लगेगा कि जो हम जी जी सर जी ने पढ़ा है वो एक्चुअली हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट सर। तो ठीक है सर, तो मैं 15-20 मिनट तक कंटिन्यू करूंगा इनके साथ और ना सर। राइट सर। हाँ और बाकी लगता है कि बच्चे पढ़ सकते हैं तो देख सकते हैं और उस हिसाब से। जी सर, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं हम बिल्कुल जीरो से चलते हैं और हम अपना लेवल चेक करते हैं कि आप अगर कैट का भी एग्जाम दें तो क्या आप उस तरह के क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और आप एक छोटा जेएनवी या सैनिक स्कूल का एग्जाम दें तो उस तरह के क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मैं बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है जनरली क्लास में, टू डिवीजन टू और डिवीजन यहाँ पे 2 of 32, और जो हिंदी में पढ़ते हैं ऑफ का मतलब मैंने कहा है का, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो मैं अभी आपके साथ मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूँ, आप घर जाके इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, मैं बच्चों की जो गलतियां होती है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चों को हमने
बता दिया होता कि भी हाँ ये प्रायोरिटी है, लेकिन वो अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। वो क्या करते हैं, अभी भी टू को टू से डिवाइड कर देते हैं, कुछ बच्चे टू को इस टू से डिवाइड करते हैं, वन वन वन, और आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर यहाँ पे अभी भी मतलब समझाने के बाद भी 32 बनता है, क्योंकि चीजें एकदम से समझ नहीं आएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गलतियों पर एनालिसिस भी करनी पड़ेगी और बाकी यहाँ पे साथ साथ सीखना भी पड़ेगा। तो 32 तो इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। हम अपने रूल पे चलते हैं कि रूल हमारी क्या यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहा है, क्या हमें गाइड कर रहा है। तो रूल बोल रहा है कि भी देखो आप प्रायोरिटी पे जाइए, आप साइन को समझिए कौन से हैं, ये फोर्थ नंबर के साइन है सारे यहाँ पे डिवीजन, ये ऑफ है ये थर्ड नंबर का, तो ये अभी आप मान लीजिए इन सब इनका किंग है यहाँ पे, और चलेगी लास्ट में किंग की भी, मुझे पहले उसको पहले देखा जाएगा, उसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। क्या ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हमने कहा था कि जहां पे टू ऑफ 32 आता है या टू ब्रैकेट 32 आता है, अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम इनकी जगह पे 2 × 32 लेके एक यूनिट मान सकते हैं कि भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जाएंगे दोनों तो एक साथ जाएंगे, ऊपर रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे, नीचे जाएंगे तो दोनों नीचे जाएंगे। ये गलती कब होती है, जब इनसे पहले डिवीजन होता है तब दोनों नीचे जाएंगे, आपने ध्यान देना। तो अभी तो हमें इसको सॉल्व करना है, बाकियों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम जो स्टेप है उसको पहले परफॉर्म करेंगे, फिर जिनका नंबर आता जाएगा उनको लिखेंगे। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। 2 of 32 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 64 यहाँ पे। अब ये सारे प्रायोरिटी के बन गए, ये फोर्थ का है, ये भी फोर्थ का है, ये भी फोर्थ का है। तो सेम प्रायोरिटी के जब आते हैं तो सेम प्रायोरिटी का जो सिक्वेंस होता है हमने पढ़ा, उस सिक्वेंस में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं और डिवीजन के बाद वाली जो टर्म है हम उनका रिवर्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, क्योंकि पहली वाली नहीं लिखी होती, आधे बच्चों का इसमें भी डाउट रहता है कि भी पहले वाले लिखने की कौन सी वाली, तो पहले वाले नहीं लिखते, जो डिवीजन के बाद वाली होती है उनको हम रिवर्स करते हैं। 2 का रिवर्स क्या है, 2 का रिवर्स है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, 2 का आपका यहाँ पे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, आप जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं 1/2 बनता है, तो ये बन जाएगा 1/2। अच्छा, इस 2 का भी क्या बनेगा, डिवीजन के बाद है 1/2। अच्छा, ये डिवीजन के बाद है तो क्या बनेगा 1/64। तो ये ऊपर नीचे ये खत्म हो जाएंगे, बाकी तो कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं है, तो आपका जो सही आंसर होगा 1/128 होगा। गाइस क्लियर है आपको ये? ओके, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर भी किए थे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, गुड गुड, ओके गुड, ओके गुड। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप साथ साथ चेक भी करते जाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सेकंड मेरा क्वेश्चन होता है यहाँ पे, 5 डिवीजन 5 और आपके पास यहाँ पे, तो एक इजी सा क्वेश्चन है, 5 डिवीजन सॉरी यहाँ पे आपके पास 5 डिवीजन 5 और यहाँ पे डिवीजन 5। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें एक्चुअल में एलसीएम वाला लॉजिक बच्चों का चेक किया जाता है कि उनको लॉजिक क्लियर है। तो अभी हमने ये किया, डिवीजन है, ये फोर्थ प्रायोरिटी है, ये फोर्थ प्रायोरिटी है, ये आपका लास्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे 6th, और बाकी यहाँ पे 4th 4th। तो 4th 4th हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका नंबर आ जाएगा, ये 1/5 बन जाएगा डिवीजन के बाद वाला, ये 1/5 प्लस, तो लास्ट में सॉल्व करना, अभी इसका नंबर नहीं आएगा, 5 ये वाला 5 आया, और इसके बाद वाले रिवर्स हो जाएंगे क्योंकि इनके सेम प्रायोरिटी है। अच्छा, सॉल्व कहाँ से करेंगे, वही लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करें, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 1/5, ये कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 1/5। तो यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि बेस सेम है, इनका ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इनका एलसीएम यही है यहाँ पे, तो ऊपर वाले डायरेक्टली वैसे ही आ जाते हैं अगर बेस सेम होता है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो 2/5 है। तो ये बहुत बेसिक सा था, मुझे लगता है आप सबको ये समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा अलग होगा और इसमें थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका 5 डिवीजन 5 ऑफ 5। इसमें आधे बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखना कि हम वो गड़बड़ ना करने वाले बने, है ना, 5 ऑफ 5 और है बहुत बेसिक से क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, तो अभी जिनको नहीं समझ आता तो उनको तो मैं यही कहता हूँ कि आप जब समझे बेसिक से, आप प्रायोरिटी को समझने की कोशिश करें, अच्छे 4th नंबर का ऐसे लिखें, 3rd नंबर का भी, 6th नंबर का, और ये 3rd नंबर का, और ये 4th नंबर का। तो अभी रैंकिंग वाइज जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, रैंकिंग वाइज ये 3rd वाले पहले सॉल्व करेंगे, 3rd वाले कौन से, ये 2 वैल्यूज, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम इनको सॉल्व करने के लिए, है ना।
फाइव ऑफ यहाँ पे एक जगह पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे फाइव ऑफ फाइव है आपके पास, फिर डिवीजन है ना, तो ये आपने चेक कर लेना, ये पहले सॉल्व करेंगे। तो अच्छा इनको सॉल्व करने चलते हैं, ये फाइव वैसे ही आ गया, डिवीजन का तो अभी नंबर नहीं है, वैसे फाइव ऑफ फाइव छोटी वैल्यू है जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 25 बना। अच्छा ये प्लस आ जाएगा, फिर मैं ये फाइव ऑफ फाइव लिख सकता हूँ यहाँ पे, फाइव ऑफ फाइव का मतलब 25 बनेगा क्योंकि ये तीसरे नंबर का था, प्लस तो अभी लास्ट में जाएगा क्योंकि उससे पहले आपके पास फोर्थ नंबर के, तो ये हमने तीसरे नंबर वालों को सॉल्व कर दिया, फाइव ऑफ फाइव 25, फाइव ऑफ फाइव 25, बाकी साइन वैसे हैं, तीसरे को सॉल्व कर लिया, अब फोर्थ नंबर के जाएंगे तो कैसे होंगे, फाइव के रिवर्स होगा, तो ये वन बाई आपके पास 25 आएगा, प्लस ये 25 अभी प्लस का नंबर तो लास्ट में आएगा, अभी हम डिवीजन को सॉल्व करें, वन बाई फाइव, तो जब आप कैंसिल करते हैं यहाँ पे ये वन बाई फाइव बना, और ये ऊपर जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पे वन है, कैंसिल किया यहाँ पे वन यहाँ पे फाइव, तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आई आपके पास वन बाई फाइव प्लस यहाँ पे आपके पास फाइव बाई वन। अभी एलसीएम लेना, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है, कोई बच्चा इसको सिक्स बाई फाइव कह देता, नहीं हाँ आपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ी है तो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, नंबर के साथ फ्रैक्शन अटैच हो जाती है, ये भी इसका आंसर होता है, तो हम धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ेंगे, अभी नहीं आता है समझ, तो आप एलसीएम लीजिए फाइव और वन का एलसीएम फाइव, फाइव को फाइव से पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड किया वन, उस वन की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से हुई तो वन आ गया। आगे अच्छा आगे क्या किया हमने, एलसीएम फाइव आया वन से डिवाइड किया, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया वन से तो पांच ही मिला, उस पांच की गुना इसके न्यूमरेटर से हो जाएगी, फाइव फाइव जाए हम पढ़ चुके हैं, 25 प्लस वन ये आपका सही आंसर 26/5 जिसको ये भी लिखा जा सकता है। गाइस क्लियर है आपको ये, ओके चलिए गुड, ठीक है गुड, बच्चों ने आंसर भी किया था बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है हाँ ओके चलिए गुड गुड, ठीक है बहुत अच्छी बात है आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है तो कुछ आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 72 माइनस 12 डिवीजन 3 एंड ऑफ 2 एंड प्लस, और ये 12 डिवीजन यहाँ पे 4, ये सॉल्व करने के लिए दिया गया, ठीक है तो अभी मैं इसको समझता हूँ कि अभी तो मुझे इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है क्योंकि ये सेकंड नंबर का है और इसके अंदर भी ये तो बाद में सॉल्व होगा लास्ट में है ना, ये वाला पार्ट इसको अभी सॉल्व करना है क्योंकि सेकंड नंबर की प्रायोरिटी नजर आ रही है और उसमें भी मैं देखता हूँ ये लास्ट है, ये फोर्थ नंबर की है और ये थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर की पहले सॉल्व हो जाएगी, 72 माइनस 12 डिवीजन 3 ऑफ 2 ये पहले सॉल्व हो जाएगा, 3 ऑफ 2 का मतलब आपके पास यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे मुझे लगता है आपके पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होगा, अभी हम इनको ऐसे रखते थे क्योंकि ये बाद में सॉल्व होगा, इसको आप कर भी सकते हैं क्योंकि हमें इसकी जगह पे एक सिंगल, जैसे आप 3 लिख सकते हैं अगर आपके लॉजिक क्लियर है, लेकिन अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप देखिए यहाँ पे 72 माइनस ये पहले सॉल्व होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 है, देखो माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 है, माइनस तो हम बाद में करेंगे, आप 12 डिवाइड बाय 6 कर सकते हैं, माइनस आगे ही रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर है, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है इसको, माइनस 12 इंटू 1 बाय 6 ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2, तो फिर आपके पास ये 12 डिवाइडेड बाय 4 है क्योंकि ये इस तरह से है, आप लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जगह पे एक वैल्यू लिखनी थी हमें, वो बन जा रही है यहाँ पे कितना 70, उसके बाद में इसी का नंबर आना था तो हम कैंसिल करेंगे, सही आंसर यहाँ पे आपका बनेगा 73, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा अच्छी तरह से और बच्चों ने आंसर भी किए थे, बहुत अच्छी बात है, ओके बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलिए तो अब हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है एक बेसिक सी हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे कि जहाँ पे एक्चुअली हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा चीजों में, ठीक है तो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये भी अभी उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन, ये 25 है माइनस आपके पास ये ब्रैकेट लगा हुआ है 20 माइनस यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट है 10 माइनस यहाँ पे आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है और उसके अंदर आपके पास है 7 और यहाँ पे आपके पास है माइनस, ये 5 माइनस 3 और इस तरह से ये बार ब्रैकेट लगा है और ये आपके पास यहाँ पे ऑल ब्रैकेट क्लोज। तो मैं अब सीक्वेंस में, अब जब मैं बच्चों को थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे पढ़ा लेता हूँ तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि अब मुझे पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने पर हम नहीं जाएंगे, तो मैं भी आपके साथ अब वही डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी मुझे ये समझना है कि सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसी को लिखूंगा अभी,
फाइव माइनस थ्री क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है फाइव माइनस थ्री टू होता है, तो मैंने इसकी जगह पे टू लिखा, ये अपने आप सॉल्व हो गया, और इसके बाहर साइन था माइनस, तो ये माइनस लग गया, ये सेवन माइनस टू आया। तो अब मुझे ध्यान देना है कि ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, इसके बाद किसका नंबर आना है, स्मॉल ब्रैकेट का, तो ये स्मॉल ब्रैकेट ही तो दे रखा है, तो मैं पूरा ना लिखे, अब सीधा सीधा जिसको सॉल्व करना है उसी की बात करूंगा, अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आपने पूछना है मेरे से दोबारा। तो मैं सेवन माइनस टू कर रहा हूँ, और इसको जब मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे फाइव आ गया। अब एक चीज आपने ध्यान देनी है कि ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन किया जा सकता है अगर इसके बाहर आपके पास कोई साइन है, कोई सा भी साइन है, तो हम इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। कब ओपन नहीं करना है, ओपन तब नहीं करना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा जब कोई साइन होगा, ओपन तब नहीं करना जब इसके बाद वैल्यू होगी, क्योंकि तब मुझे ध्यान देना है कि भाई इनका प्रोडक्ट होता है और इसके आगे डिवीजन दे रखा होता है, तो फिर ये नीचे चला जाता है, उन चीजों का ध्यान देना है। तो अभी तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब मैंने इसको सॉल्व किया ना फाइव को, इस ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये आ रहा है अब इस तरह से टेन माइनस ये, तो इसके बाद तो साइन है डायरेक्टली ओपन होगा, टेन माइनस फाइव आप घटा सकते हैं, टेन माइनस फाइव आपके पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फाइव, क्योंकि मैं सिक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपकी एक समझ हो जाएगी तो आप भी ऐसे प्रोसीड करें। यहाँ तक हमारा आंसर फाइव आ गया है, तो हम आगे देखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट आएगा, अभी ब्रैकेट सॉल्व हो रहे हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे किसी सिक्वेंस में, इसको सॉल्व किया फिर इसको फिर इसको फिर इसकी बारी आएगी, तो 20 माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आया मुझे यहाँ पे, ब्रैकेट ऐसे था और ये, तो ब्रैकेट कोई सा भी होगा उसके बाहर साइन होगा तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ये 20 माइनस यहाँ पे 5 बनेगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 15 बनेगा, और इसके बाहर आपके पास यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 15, तो ये अंदर प्लस का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 15, तो आपका सही आंसर यहाँ पे बनना था 10। मुझे लगता है आपने आंसर भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने आंसर किए हैं इसके, ओके चलिए गुड, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, तो इतना मुझे लगता है बेसिक आप सबके कंसेप्ट बनाने के लिए अच्छे थे, तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, गलती करने से बचना पड़ेगा। वन डिवीजन वन है और आपके पास यहाँ पे दे रखा आगे वन प्लस वन डिवीजन, यहाँ पे आपके पास वन प्लस वन डिवीजन यहाँ पे, और वन प्लस वन और डिवीजन यहाँ पे टू, ठीक है, तो ये ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड है यहाँ पे, ठीक। तो जिन बच्चों को लगता है कि हम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं लग रहा है कि वो साथ साथ देखें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को अभी फास्टली करने का तरीका है ना, हम पूरा सॉल्व नहीं करने जाएंगे, मुझे पहचानना है किसको मुझे, क्योंकि एग्जाम में अगर हम पूरा क्वेश्चन लिखने लगे तो आधा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मुझे समझना है कि देखिए ये साइन दे रखा है, नहीं ये कहीं पे भी नहीं नजर आया, तो क्या फिर ये साइन नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे इस तरह से, हाँ ये साइन नजर आ रहे हैं, तो ये साइन मुझे पहले सॉल्व करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट मुझे पहले सॉल्व करना है। अब इसमें भी बच्चा गलती क्या कर देता है, वन प्लस वन उसको ये अच्छा लगता है देखने में कि वन प्लस वन टू होता है, और टू डिवाइडेड बाय टू वो वन कर देता है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, प्लस नहीं करना है, रूल तो वैसे ही चलेंगे ब्रैकेट के अंदर भी, कि भी पहले डिवाइड करेंगे तो वन प्लस ये वन बाई टू बनेगा। तो अब मुझे लगता है आपके लॉजिक क्लियर होंगे कि भाई प्लस यहाँ पे आपके पास छठे नंबर का था और डिवीजन चौथे का, तो ब्रैकेट में भी रूल चलेगा, पहले डिवीजन होगा फिर प्लस होगा, तो एलसीएम लिया आपने यहाँ पे, आपको अगर जिस बच्चे को समझ है वो मैंने पहले ही कहा था वन प्लस वन बाई टू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, टू वन जा वन और थ्री बाई टू, नहीं भी लगता है तो आप ऐसे लिखिए, टू एलसीएम लिया वन से डिवाइड किया टू आ गया, टू वन जा टू प्लस वन यहाँ पे, तो पहले पॉइंट को जब आपने सॉल्व किया थ्री बाई टू, क्या इसके बाहर साइन है, जी बिल्कुल बाहर इसके साइन है, तो इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे, तो इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद टर्न आएगी यहाँ पे किसकी, मीडियम ब्रैकेट की, कर्ली ब्रैकेट की, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये वन प्लस डिवीजन के बाद वाली डायरेक्टली ओपन कर सकते थे इसको, लेकिन रिवर्स हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे टू बाय थ्री, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सॉल्व करने पे बना वन प्लस यहाँ पे टू बाय थ्री, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा थ्री, और यहाँ पे थ्री बन जा थ्री प्लस टू, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आएगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है आपके पास फाइव बाय थ्री, हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं यहाँ तक, अब हम सॉल्व कर चुके हैं सेकंड नंबर की इसकी प्रायोरिटी को, अब हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें भी मुझे यही दे रखा है वन प्लस वन डिवीजन यहाँ पे फाइव बाय थ्री, तो मुझे अब लॉजिक अगर क्लियर होगा तो मैं सीधा कहूंगा
भी इसको रिवर्स करना है यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के बाद साइन है, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा 3/5। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, 1 + 3/5 एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5, 5 + 5 + 3। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा 8/5 कि यहाँ तक आप इस पूरे को अब सॉल्व करें, इसकी वैल्यू 8/5 है। इतना सॉल्व करने के बाद भी बच्चा इसका आंसर गलत बना देता है, ध्यान देना कैसे, ये 1/1 है और ये आपके पास यहाँ पे 8/5 है। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे 1/1 कर देता है पहले, और 1 की मल्टीप्लाई 8/5 से, और 8/5 भी इसका आंसर कर देता है जो गलत होगा। ध्यान देना, मैंने पहले ही आपको समझाया है कि ये सेकंड प्रायोरिटी है, अभी ब्रैकेट कोई सा भी होगा सेकंड प्रायोरिटी है, और डिवीजन आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी है, तो कौन पहले सॉल्व होगा, सेकंड प्रायोरिटी। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, 1 × 8/5 ही रहता है, ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये डिवीजन के बाद वाला है तो ये रिवर्स होगा, इसका जो सही आंसर बनेगा वो 5/8 आपका सही आंसर था। मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी किए हैं, कीर्ति का आंसर सही था 5/8, और जो मैंने मिस्टेक आपको बताई थी कि हाँ कुछ बच्चे गलती करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे, हाँ ठीक है, आराध्या का ठीक था 5/8, हाँ भवनीत आपका देखो लास्ट में ये गलत हो गया था थोड़ा सा, यही आपने पॉइंट ध्यान देना है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ठीक है। और कीर्ति आपका आंसर सही था 5/8, मोहम्मद आपका कहीं पे लास्ट में आपने प्लस कर लिया होगा उसको, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। ओके गाइस, समझ आया आपको, ओके चलिए गुड। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आज की क्लास का, तो फिर हम कल की क्लास में क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर को मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर उसके साथ आंसर आपको बता दिया जाएगा जो भी आपको इश्यू लगता है, ठीक है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आज की क्लास का, ओके। तो एक क्वेश्चन है, जैसे आपको ये दे रखा है 1728 डिवीजन, 144 डिवीजन 12, और ब्रैकेट है यहाँ पे 88 डिवीजन 11 ऑफ 8 प्लस यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट 20 - 4 × 4 - 6 एंड यहाँ पे बार ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट क्लोज है, ऑल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो गाइस अभी जब मैं रूल की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कहीं पे बार ब्रैकेट तो नहीं है, पहले ढूंढने जाते तो एक बार ब्रैकेट मुझे मिल चुकी है यहाँ पे 4 - 6, तो मुझे पता है कि भाई प्लस का कम है माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का 2 बचेगा, जैसे माइनस का 2 लिखा बार अपने आप हट जाएगा। तो बार के बाद अब यहाँ पे छोटे ब्रैकेट का नंबर आता है, तो छोटे ब्रैकेट में हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 - यहाँ पे 4 और ये इंटू आपके पास यहाँ पे -2, ये छोटे ब्रैकेट भी नजर आ रहा है। तो अच्छा, इसमें भी क्या दे रखा है, माइनस अगर हम सोचें ऐसे, ये लास्ट प्रायोरिटी है लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये भी माइनस का, लेकिन मल्टीप्लाई आपके पास फिफ्थ नंबर की, तो इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगी और हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है तभी कर्ली का नंबर आएगा। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये ध्यान देना है। तो 20 + 8 आपके पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो 28 है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर हमने कहा था क्या इसके बाहर कोई साइन या वैल्यू, हाँ इसके बाहर एक साइन है, एक आपके पास यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद आपके पास कर्ली ब्रैकेट का ही नंबर आएगा, तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया क्योंकि कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 28, अब 28 ये आ गया आपके पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में, तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी कोई साइन है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली ओपन हो जाएगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के बाद अब नंबर आएगा 88 डिवीजन 11 ऑफ 8 प्लस ये था आपके पास, ये आया क्योंकि हम सीक्वेंस पाए चलते हैं कि भाई ये स्मॉल ब्रैकेट हुआ, फिर कर्ली की तरफ बढ़े, फिर लार्ज ब्रैकेट की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी सिक्वेंस पे हम जब जाते हैं तो ये क्या सिक्वेंस बना अभी तक जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बना आपके पास 88 डिवीजन 11 ऑफ 8 जिसका मतलब का होता है, और प्लस इसके ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन कर दें क्योंकि बाहर साइन है, प्लस 28। तो इसमें भी मैं अब समझता हूँ ये चौथे नंबर की प्रायोरिटी है, ये तीसरे नंबर की है और ये आपका छठे की। तो पहले तीसरे की होगी, 11 ऑफ 8 कोई बड़ी बात नहीं है, 11 × 8 आप सबको आता होगा 88 होता है, 11 × 8 = 88 होता है,
और प्लस यहाँ पे आपके पास 28 है। तो किसको पहले सॉल्व किया जाएगा? पहले आपके पास ये फोर्थ नंबर का ऑपरेशन है और ये सिक्स नंबर का ऑपरेशन है, तो पहले आपका सॉल्व किया जाएगा फोर्थ नंबर का ऑपरेशन। 88 डिवीजन 88 आपके पास आएगा यहाँ पे 1, और 1 प्लस 28 फिर इसका नंबर आएगा, तो 1 प्लस 28 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको यहाँ तक जो हमने लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व किया उसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पे 29। ठीक है, तो इसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे जो इसके बाहर आपके पास ऑपरेशन है। क्या वैल्यूज आपके पास आ रही है? 1728 डिवीजन 144 डिवीजन 12 और यहाँ पे आपके पास ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 29। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। देखिए प्रायोरिटी का आपने ध्यान देना, ये फोर्थ नंबर का है, ये भी फोर्थ नंबर का है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना ये अभी भी सेकेंड नंबर का है, लेकिन मैं 29 × 12 नहीं करना चाहता। और एक्चुअली में होगा क्या, 30 − 1 से 12 कम होगा, 360 से 12 कम है 348, लेकिन मैं 348 लिखूं फिर कैंसिल करूं लेंथ ही बनता है, तो मैं अभी इसको एक यूनिट मान के चलूंगा। 1728 डिवीजन 144 डिवीजन मैं ये लिख लेता हूँ 12 × 29, जिसको हम ये मान के चलेंगे कि दोनों एक साथ रहेंगे जहां पे भी जाएंगे। अब अभी मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया था कि 1728 आपके पास 12 का क्यूब होता है, इसका मतलब 12 × 12 × आपके पास 12 है, और आपके पास यहाँ पे 144 यहाँ पे 12 का स्क्वायर था, 12 × 12। तो मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो ये अब सेम प्रायोरिटी के लॉजिक है, दो हमारे पास ऑपरेशन है 1728, तो डिवीजन से बाद वाली टर्म है मल्टीप्लाई लगाएंगे रिवर्स हो जाएगा, डिवीजन से बाद वाली टर्म है मल्टीप्लाई लगाएंगे और रिवर्स हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 × 29। तो ये आपके पास 12 × 12 और एक 12 और हो चुका है, 12 × 12 × 12, तो ये क्यूब था 3, यहाँ पे टाइम्स 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/29, और कुछ बच्चे इसमें 29 करते हैं वो भी आपका गलत आंसर बनता है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है, ओके, चलिए गुड। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। चलिए, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप सर को भेज सकते हैं या मुझे भी भेज सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और आपके लिए मैं एक होमवर्क आपको ये दे रहा हूँ कि कल मैं आपसे यहाँ पे स्क्वेयर पूछूंगा, आपने स्क्वेयर लर्न करने हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट 20 तक आप लर्न करके आए, क्यूब आपको 10 तक अच्छे से आने चाहिए, और टेबल पे आपने थोड़ा काम करना है। तो अभी इनिशियल लेवल से मैं आपको 15 तक मैं कल की क्लास में आपसे ये पूछूंगा, तो आपने फिर ये लर्न करके आना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सर ने आपको बहुत ही अच्छे से जो बेसिक, बहुत ही बेसिक से आपको सर ने समझा दिए हैं सभी कॉन्सेप्ट्स। बीच में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये बहुत बेसिक है, लेकिन गाइस ऐसा है कि बेसिक जब आपका पॉलिश रहेगा ना, तो इसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको बहुत इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो कुछ होमवर्क आपको सर ने दिया है, प्लस कुछ मैं देता हूँ, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आज जो टॉपिक किया गया है वो है सिंप्लीफिकेशन। ओके, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में बहुत सारे बना के दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिएगा, तो गाइस आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, देन क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।